वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? और गुड मॉर्निंग हो चुकी है सुबह, हम भी उठ चुके हैं। आज थोड़ा सा जल्दी उठे हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है। और सभी को हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ जा रही हूँ छोला उबालने और बनाऊँगी पूरी साथ में भी। छोले चढ़ा दिए हैं उबालने के लिए, ले लिया है अदरक लहसुन मिर्च प्याज सब काटने के लिए, टमाटर तो इनको भी हम जल्दी से चॉप कर लेते हैं। हमने सारा कुछ इसका पेस्ट बना लिया है और छोले भी हमारे शायद उबल गए हैं तो उनको भी खोल के देखने जा रहे हैं। अब हम सो रहे हैं, देखें सो रहे हो देखें मुँह दिखाओ। अच्छा एक बार दिखा दो, एक बार देखें। देखो सबको बोलो हैप्पी क्रिसमस डे, बोलो बोलो बाल देखो ऐसा लग जंगली चूहा निकला बिल से देखो देखो बहुत ठंडी है भाई अभी सुबह सुबह। जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए, ये बनाएंगे क्योंकि आज कढ़ाई में बनाएंगे पूड़ी और मेरे पास तो इतने सारे बर्तन है नहीं क्योंकि मैं रहती हूँ रेंट पे। इस वजह से आज मैं कुकर में बनाऊंगी छोले। सारे मसाले सब कुछ डाल दिया है सब, अब इसको पका रहे हैं हम और फिर इसके बाद डालेंगे इसमें छोले। तब जाके वीडियो बनाया है क्योंकि वीडियो क्या हो रहा था, अपलोड हो रहा था यूट्यूब वाला। और ये हमारा छोला भी बन के रेडी है और पूड़ियाँ भी बन के रेडी हैं सारी, इतनी सी बची हैं बस। टिफिन भी लग के रेडी हो चुका है और अभी ये रेडी नहीं हुए हैं। बड़ा धुआं धुआं पूरे कमरे में भरा, देखो पूड़ियाँ बनाई इस वजह से। जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब कितने बजे आएंगे? 8 बजे रात में ना, इसलिए हम वीडियो में आ नहीं पाते हैं। कहते कंपनी ले जाया करो फोन। हाँ, बस, लाया बस, करो। बस। कंपनी का वीडियो देख के ये लोग भी तर जाएंगे काम सिखा दिया करो लोगों को। अब हम पूरे दिन अकेले रहेंगे, बताओ जा रहे हैं? देखते चलो हम चलते, टाटा बाय बाय। तो गाइज मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और उतनी देर से मैं वीडियो अपलोड कर रही थी। अब जाके मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो पाया है और फेसबुक पे भी करना था और इंस्टाग्राम पे भी करना था, हर जगह वीडियो अपलोड करके अब मैं फ्री हो पाई हूँ। अभी बाकी है मेरा जो लॉन्ग वीडियो है यूट्यूब पे व्लॉग पढ़ने, अरे सॉरी फेसबुक पे, फेसबुक पेज मैंने बनाया है ना तो उस पर मैं ब्लॉग डालूँगी और अभी उस पर डालना बाकी रह गया है। तो मुझे लगी है भूख, मैंने ब्रश कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आज मुझे बहुत सारा काम है। आज मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है तो चलो नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। मैंने आज बताया था कि मैं आज बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, तो ये रही गाजर, इतनी सारी हैं बट मैं इतनी ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, मतलब पूरी नहीं करूँगी, इनको कद्दूकस करना है। तो अभी मैं छत पर ले कर जाऊँगी इनको, छत पे धूप में बैठ के करूँगी जाके आराम से। तो चलो करते हैं, जाके छत पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर छील ली थी और कद्दूकस कर रहे थे बैठ के, इतनी सारी देखो कैसे छील के रखी है हमने। गाइस ये हो गया हमारा गाजर, हमने इसको कद्दूकस कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और छत पे थी तो वीडियो नहीं बनाया, नीचे आके अब इनको जा रही हूँ। पहले हम पानी से ना अच्छे पानी से धुल लेती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही मतलब छील के ही ऐसे कर दिया था, धुली नहीं थी और अब जा रही हूँ इसको धुलने के लिए। अब कढ़ाई में ना घी डाल दिया है और अब मैं डालने जा रही हूँ गाजर। इतनी ये रखी है, इतनी ये है, बस देखने में इतनी ज़्यादा है बट ये अभी थोड़ी सी हो जाएगी आप सबको पता है जैसा कि। तो चलो हम बनाते हैं क्योंकि मैं गई थी चीनी लेने के लिए, मैं ले कर रखी नहीं थी चीनी, तो अभी चीनी लेने के लिए दुकान पर गए हम और मतलब जाने में तो आग मतलब गए, हमने सामान भी ले लिया, अब वापस आ रहे तो ढूंढ रहे वीडियो बनाने के लिए कि फ़ोन किधर है मेरा, फ़ोन मैं दुकान पे ही छोड़ा ही, इतनी जल्दी से गई हूँ ना दौड़ के कि हम क्या ही बताएं। जितनी जल्दी जा सकते थे ना उतनी जल्दी गए, हमने कहा पता नहीं और भी लोग थे कहीं गायब ना हो जाए मेरा फ़ोन, बच गया फाइनली, थोड़ा दिल को मेरा सुकून मिला। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे सच में, मेरे पास वैसे भी फ़ोन नहीं है, यही इकलौता बेचारा फ़ोन है जो फ़ोन मेरा ठीक ठाक है, बाकी हम अभी तो फ़ोन नहीं ले नहीं पा रहे और अगर खो जाता हमारा तो करियर डूब जाता पूरा, सही बता रहे हैं ये पक रहा है मतलब गाजर पक रही है अभी,
अभी इसमें दूध डालना है गाजर में, तो पहले ये अभी कम हो जाए, अभी इतनी है, जब तक वो थोड़े और पक जाए फिर इसके बाद दूध डालेंगे इसमें। मैंने इसमें दूध डाल दिया है, तो दूध भी अभी पकाना है, बहुत टाइम लग रहा है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा। सुबह से इसी में लगी पड़ी हूँ जब से हो गए, मतलब मेरे भी पता नहीं कौन सा भूत सवार था बनाने का, तो मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन था और खाने से ज़्यादा तो मेरा बनाने का मन होता है कि कुछ कोई हमको बताए कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बनाएं। और आज भी सोचा था कि मैंने बहुत कुछ बनाऊंगी अगर हस्बैंड की छुट्टी होगी, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं होती। अगर वो सच में छुट्टी उनकी रहे ना हफ्ते में एक बार, तो मैं ज़रूर मैं कुछ ना कुछ हर हफ्ते बनाऊँ, और मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। कोई खाने वाला भी नहीं है यहाँ पर, भाई हस्बैंड मेरे हैं, उनको तो कुछ भी खिला दो वो सब खा लेते हैं। तो मेरा ही मन था कि मैं बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने कल, देखो आज बना रही हूँ तो इसके लिए पहले मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने कल खोया करा हुआ था, मतलब गैस में 2 घंटे बैठ के मैंने खोया बनाया है ना, और आज जाके तब फिर मैंने गाजर मंगाई और आज बना रही हूँ हलवा। खाने में तो मस्त लगता ही है ना, बनाने में तो नानी याद आती है, पर कोई बात नहीं, बन ही जाएगा शाम तक, फिर आपको दिखाते हैं पूरा बना के। हम भी ये बन के हो चुका है रेडी, मैंने चीनी नहीं सब पका लिया, सब डाल लिया है, और अब ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़े से ही डालेंगे ज़्यादा नहीं। और ये रहा खोया जो मैंने कल बनाया था, तो अब इसमें हम कर देते हैं मिक्स। तो हमारा हलवा बन के रेडी है, मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया है जिस जिसको चाहिए, जल्दी से हाथ ऊपर करो कमेंट करो, मैं पार्सल करूँगी सबको, ठीक है। बनाते मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, और कितना घंटा लगा इसमें, बहुत टाइम लग गया बनाते बनाते, पहले तो सारा कुछ किया आपने देखा ही वीडियो में, ठीक है, वीडियो हमने बनाया ही नहीं इतना बड़ा, जितनी देर इतना बड़ा देख के बनाते तो कम से कम 4 घंटे का वीडियो बन जाता। तो अब ये बन चुका है, अब इसको हम परोस के रख लेते हैं अलग, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो देखते हैं पूड़ी बनानी है, क्योंकि मैंने बना के रखती नहीं हूँ, गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, पूड़ी या रोटी कुछ बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और छोले की सब्ज़ी आज बनाई थी, तो अभी शाम को देखते हैं शाम को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। हम तो बनाना सोचते रहते हैं पूरे दिन, क्या बनाना है क्या करना है, मेरा पूरा दिन यही निकल जाता है कि क्या करना है हमको क्या बनाना है ना। तो कैसा लग रहा था हलवा देखने में, हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मन हो रहा अभी खा लें गरम गरम, सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा देखने में भी, और क्या ही इसकी सुगंध आ रही है, वाओ। तो मन में मुंह में पानी तो आ रहा होगा आपको देख के, है ना, कोई बात नहीं, कमेंट करो आप, हम कमेंट में आपको देखना कैसे पार्सल करते हैं, आपके मुंह में पहुंचेगा तुरंत। तो चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जब भी कुछ करेंगे दोबारा से। खाना नहीं, ये हलवा टेस्ट करके बताओ कैसा है। वाओ, तुमने हलवा बनाया है। हाँ, बहुत मेहनत से बनाया है। मुँह मंगा है पहले पूरा खा के बस, सही बताओ, मजाक नहीं लग रहा है कि हम इतने हैं, हम बना लेते हैं काबिन है। बस बस